भारत से दुश्मनी की पाक ने चुकाई कीमत, महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल, क्या सरकार का रोल, चीन ने पाकिस्तान को बुरा लूटा, महंगाई से कंगाल, बुरा फंसा पाकिस्तान, इस्लामोफोबिया के नाम पर सुर्खियां बटोरने में माहिर पाकिस्तान अब एक वक्त की चाय के लिए भी तरस रहा है। पाकिस्तान को नई नवेली सरकार तो मिल गई, लेकिन हालात वैसे ही पुराने बने हुए हैं। पाकिस्तान में हर बढ़ते दिन के साथ महंगाई और चरम पर पहुंच जाती है। अब आवाम का गुस्सा भी खुलकर शहबाज सरकार के खिलाफ फूट रहा है। लेकिन अब ऐसे में सरकार स्थिति को सुधारने के लिए क्या नए नियम लाई है, जरा समझते हैं आर्थिक संकट को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान में अपनाई गई स्ट्रैटेजी के बारे में। शादियों में परोसे जाए केवल एक ही डिश, खाद्य संकट पर आपूर्ति के लिए कदम, 9 बजे के बाद कई शहरों में लगेगी धारा 144, बिजली उत्पादन को बचाने के लिए फैसला, केवल 5 दिन ही खुलेंगे सरकारी दफ्तर, नियमों की अवहेलना पर होगी सख्त कार्रवाई। ये जो नियम आपने देखे, ये कोरोना से बचाव के लिए नहीं बल्कि अपनी गलत नीतियों पर पर्दा डालने के लिए बनाए गए फैसले हैं। तभी तो आवाम अब शहबाज सरकार के खिलाफ खुलकर विरोध कर रही है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान तो कई मौकों पर सरकार की आलोचना कर चुके हैं, जिसके जवाब में पीएम शहबाज शरीफ इमरान पर ही ठीकरा फोड़ देते हैं। ऐसे में जरा ये भी जान लेते हैं कि पाकिस्तान में आर्थिक संकट के बीच रोजमर्रा की चीजों का दाम है क्या। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 234 रुपए पहुंच गई, 1 किलो आलू की कीमत 55 रुपए पहुंच गई, प्याज 75 रुपए किलो तक पहुंच गया है, टमाटर 80 रुपए किलो मिलेगा, आटा 70 रुपए किलो के हिसाब से मिलेगा, शक्कर 85 रुपए किलो पहुंच गई है, दूध 150 रुपए लीटर मिलेगा, अंडा 150 रुपए दर्जन के हिसाब से मिलेगा। मतलब साफ है, पाकिस्तान में गहरा रहा आर्थिक संकट अभी शांत होने वाला नहीं है। दुनिया भर में आतंकवाद के नाम पर अपनी किरकिरी कराने के बाद पाकिस्तान के लिए दोहरी मुसीबत ये है कि अब आवाम शहबाज से सवाल कर रही है, लेकिन उनसे खुद तो इस स्थिति पे ना तो कुछ कहा जा रहा है और ना ही रहा जा रहा है। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।